गुड इवनिंग एवरीवन आज संडे और संडे के दिन जैसा आप जानते हैं कि हम लोग कोई क्लासेस नहीं कंडक्ट करते हैं संडे का दिन होता है एक फंडे जहाँ पे कि हम लोग बहुत सारे फंडे भी सीखते हैं बहुत सारा फन भी करते हैं और इंजीनियरिंग की बात करते हैं जिससे कि हम ये समझ पाएं कि जो भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं डे इन डे आउट कभी आप मशीन पढ़ रहे हो कभी आप सिग्नल कंट्रोल नेटवर्क क्या ये सब चीज़ें रियल लाइफ में काम आती हैं तो इसका जवाब है जी हाँ आती हैं और ये सीरीज़ आपके लिए इसीलिए लेकर के आए हैं ताकि आप लोग सीख पाएँ कि ये सब चीज़ें कहाँ काम आती हैं और किस फॉर्म के अंदर काम आती हैं ठीक है तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर कर दो छोटा सा सेशन रखेंगे 15-20 मिनट का सेशन रहेगा और आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी यहाँ पर कि कैसे क्या चीज़ें हमारी रन होती हैं ठीक है स्टार्ट करें एवरीबॉडी चैट में रिप्लाई करो एवरीबॉडी प्लीज रिप्लाई इन चैट शेल वी स्टार्ट शेल वी स्टार्ट एवरीवन अभी काफी कम बच्चे दिख रहे हैं चैट के अंदर तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को लाना है इस कंसेप्ट को लाइव समझना हार्डली फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स लगेंगे तो डोंट टेल मी की आप लोग बिजी हो ओके, लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द लोकोमोटिव इन इंडिया इयर नाइनटीन ट्वेंटी फाइव वॉज द फाउंडेशन और लेइंग पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ द लेइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रैक्स इन इंडियन रेलवे ठीक है इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया था दोस्तों 1925 में इतने साल पहले थर्ड फरवरी को जीआईपीआर से जीआईपीआर फ्रॉम विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस का अब जो नाम है दैट इज सीएसटी एस टी दैट इज अ वेरी वेरी फेमस रेलवे स्टेशन कॉल्ड एज मुंबई सीएसटी एस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस टू कुरला दैट वॉज सिक्सटीन किलोमीटर लॉन्ग

लेकिन दोस्तों जब एसी ट्रैक्शन आया तो 25 फाइव केवी ट्रैक्शन वोल्टेज को स्टैंडर्डाइज किया गया कि 25 फाइव के वी की वायर से मोटर को रन किया जाएगा या ट्रेन को रन किया जाएगा ओके सो इट वाज डिसाइडेड दैट 25 के वी विल बी अ स्टैंडर्ड फॉर एसी बिफोर दैट 1500 वोल्ट वाज द स्टैंडर्ड फॉर डी एंड इट ऑल स्टार्टेड इट ऑल स्टार्टेड इन मुंबई ओके अब यह देखते हैं कि यह चीजें काम कैसे करती हैं, कैसे मोटर एसी सप्लाई पे हमारी रन होती है यह चीज देखते हैं तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि आपको यहां पे जो वायर दिख रही है ना ये वायर 25 फाइव की होती है और मोटर सॉरी ट्रेन के ऊपर ट्रेन के ऊपर ये जो आपको कनेक्शन दिख रहा है इसे बोलते हैं पेंटोग्राफ पेंटोग्राफ इस 25 फाइव के वी की लाइन से कनेक्ट होता है एंड देन द ट्रेन रन ठीक है व्हेन दिस पेंटोग्राफ इज कनेक्टेड टू द 25 फाइव के वी लाइन द ट्रेन विल रन ठीक है अब बात है कि ट्रेन के अंदर क्या होता है इतना हम लोग समझ गए नाम याद रखना पेंटोग्राफ और बात क्या याद रखना 25 फाइव के वी लाइन अब देखो इसके अंदर क्या होता है अगर ट्रेन को ओपन किया जाए ये पेंटोग्राफ से एक कनेक्शन जाता है ट्रांसफार्मर में बट मेरे दोस्त अगर ट्रांसफार्मर को भी चलाना है तो दो टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी वी नीड टू टर्मिनल्स टू ऑपरेट अ ट्रांसफॉर्मर दर्स्ट टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पेंटोग्राफ एंड सेकेंड वन इज अर्थ अर्थिंग कैसे करते हैं द रेलवे ट्रैक्स आर कनेक्टेड टू द अर्थ एंड वी कनेक्ट अदर टर्मिनल ऑफ ट्रांसफॉर्मर थ्रू द ट्रेन व्हील्स टू दर्थ ट्रेन व्हील्स की मदद से अर्थिंग करते हैं लेकिन कैसे कनेक्ट कर दोगे उसके लिए ध्यान तो मैंने यहां पर दिखाया एक्सेल ब्रशो एक्सेल ब्रश होता है इसकी मदद से टर्मिनल स्टेशनरी रहता है और ट्रेन का व्हील लगातार रोटेट करता रहता है तो ट्रेन का व्हील घूमता रहेगा दोस्त लेकिन टर्मिनल रहेगा स्टेशनरी और ट्रांसफार्मर का दूसरा टर्मिनल हो जाएगा ग्राउंड और एक टर्मिनल हो जाएगा पेंटोग्राफ से 25 फाइव के वी पे कनेक्टेड ठीक है तो इसका मतलब है मैंने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में 25 के वी वोल्टेज जनरेट कर लिया है वी हैव कनेक्टेड ट्वेंटी फाइव टू द ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी वॉट नाउ नाव वी कनेक्ट अटीफायर टू द ट्रांसफॉर्मर

तो जो डीसी में कन्वर्ट करने वाला रेक्टिफायर है उसको हमने क्या बोल दिया है दैट इज अ प्राइमरी रेक्टिफायर ठीक है ये प्राइमरी रेक्टिफायर डीसी में कन्वर्ट कर देगा लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के कि रेक्टिफायर का आउटपुट फ्लैट डीसी नहीं होता उसके अंदर होती है रिपल उस रिपल को कम करने के लिए आप मेरे दोस्त लगा सकते हो यहाँ पे कैपैसिटिव फिल्टर यू कैन कनेक्ट अल्टर एट द आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर To टू रिड्यूस द रिपल इन दउटपुट वोल्टेज अब बात है, भाई हमें चलानी तो मोटर है लेकिन इसीलिए अगले स्टेप में क्या करते हैं अगले स्टेप के अंदर हम लगाते हैं इन्वर्टर तो देखो रेक्टिफायर के ऊपर से जो वायर जारी है दैट इज कनेक्टेड टू इनवर्टर इन्वर्टर क्या करेगा डी सी टू थ्री फेज ए सी कन्वर्ट करेगा जिससे थ्री फेज इंडक्शन मोटर आप रन करोगे एंड देन यू गेट अ मोटर रनिंग व्हील ऑफ द ट्रेन तो मोटर कौन सी यूज हो रही है थ्री फेज एसी मोटर लेकिन वो थ्री फेज आ कहा से इन्वर्टर इन्वर्टर से inverter को कहां से को सप्लाई जा रही है रेक्टिफायर से तो हमने क्या किया है एफेक्टिवली सिंगल फेज एसी को कन्वर्ट कर दिया है थ्री फेज एसी के अंदर किसकी मदद से रेक्टिफायर प्लस फिल्टर प्लस इनवर्टर वी है सिंगल फेज ए टू अ

लोकोमोटिव के अंदर ये लोको कूलिंग फैन हम लोग चला रहे हैं फ्रॉम द बैटरी एंड द ऑक्सिलरी रेक्टिफायर सिमिलरली वी विल हैव अ कूलिंग फैन फॉर द मोटर अभी आप देखिए कि व्हील के पास भी हम लोग एक फैन लगाएंगे सो दैट वी कैन कूल डाउन द मोटर दैट इज रनिंग द व्हील्स सो दिस है मोटर कूलिंग फैन विच इज कूलिंग डाउन द व्हील्स और यू कैन से इट इज कूलिंग डाउन द मोटर रनिंग द्ल ठीक है सचिदानंद डीसीज मोटर वी यूज टू यूज अर्लियर जब डी सी ट्रैक्शन था लेकिन अब जब एसी मोटर यूज की जाती है तो द मेन चैलेंज इज है मशीन और हैविंग द मोटर रनिंग ऑन अल फेज ए सी वेन इट इज थ्री फेज ए सी तो बहुत सिंपल सा सिस्टम है एसी से बनाओ डी सी डीसी से बनाओ थ्री फेज ए सी एंड देन यू कैन रन अ थ्री फेज ठीक है तो मेन ये हमारा सिस्टम होता है इसके अंदर पेंटोग्राफ यूज होता है देन आ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर देन आ रेक्टिफायर देन आ फिल्टर देन आ इन्वर्टर देन आ थ्री फेज इंडक्शन मोटर समझ आया सब लोगों को ये चीज क्लियर विंग अगर अर्पित आप देखोगे पटरी बीच बीच में से ना ग्राउंडेड होती है पटरी बीच बीच में से ग्राउंडेड होती है तो जो भी करंट पटरी में आएगा वो ग्राउंड में चला जाएगा पटरी में प्रपोगेट नहीं करता है ट्रेन के ट्रैक में प्रपोगेट नहीं करता है ठीक है रेक्टिफायर की मदद से जो एसी बन रहा है ना देखो इन्वर्टर से जो एसी बन रहा है उसको भी हम लोग कन्वर्ट करके डीसी में फिर रन करेंगे हर चीज बैटरी से रन नहीं कर सकते एयर कंडीशनिंग या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है तो आप क्या करो जो मोटर को एसी जा रही है उसी को डीसी में कन्वर्ट करके आप रन कर सकते हो ठीक है तो ये बात सब लोगों को समझ आई तो इस सेशन के अंदर मुझे आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना था कि जो आप मोटर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ पढ़ते हो हाउ इट इज ऑल कंबाइंड इनटू रनिंग आ रनिंग आ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इन अ ट्रेन और मेरे दोस्त अगर आप अनअकेडमी पे मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हो हर कंसेप्ट चाहते हो कि डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए तो मैं 20 जुलाई से इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट करने वाला हूँ हिंदी लैंग्वेज के अंदर तो जल्दी से अपना अन सब्सक्रिप्शन बुक करें और आपके होस्ट दोस्त आपके एजुकेटर का कोड है अंकित के आर टेन ठीक है अंकित के आर टेन लगाना ना भूलें एडमिशन लेते हुए बिकॉज अंकित के आर टेन स्टैंड फॉर That you and Ankit are working together. आपकी बेहतर रैंक के लिए हम लोग सात काम करेंगे चालू कर दिए जाएंगे हिंदी लैंग्वेज में तो कोई भी बच्चा मिस ना करे एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी चीजें कवर की जाएंगी अब आप लोगों से विदा लेता हूँ थैंक यू ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन आपके लिए लगातार लाता रहूंगा थैंक यू एवरीबडी